रिसेंटली मैं एक केस पढ़ रहा था बेसिकली इट वॉज द डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट बाई दी वाइफ एंड लेट मे टेल यू काफ़ी सारे एलिगेशन्स ऐसे थे जिसको पढ़ के ये फील होता है कि वट इज़ द रीज़न वट मीन्स वाई यू आर मैंशनिंग दोज एलिगेश इन योर कंप्लेंट, मतलब मैं आपको थोड़ा सा एलिगेश का नेचर बताता हूँ आई फील दोज आर डेफिमेट्री ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा फॉल्स पेटिशन बनाई गई है और ये सिर्फ मेरे को नहीं लगता जब आप कोर्ट में ऐसी पिटिशंस फाइल करते हो ना तो दैजिस्ट्रेट नोज वट एवर यू आर कमिंग अप विथ अब उसमें एलिगेशन के अंदर बेसिकली ये मेंशन था कि जो हस्बैंड है वो मेडिसिन लेके फिजिकल इंटरकोर्स करता था वाइफ के साथ ज़बरदस्ती एक हफ्ते की मैरिज है और उसकी मदर जो है वो कमरे से देखा करती थी गेट खोल के जब वाइफ ने ऑब्जेक्ट करा तो भी uh, मदर नहीं मानी हस्बैंड ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरी मदर हम लोगों की इंटीमेसी देख रही है तो मीन्स उसके बाद उसके दोस्त आ रहे हैं वो सब भी उसके साथ गलत कर रहे हैं आई नो दैट क्लाइंट पर्सनली एंड मुझे डाउट होता है कि कई बार क्लाइंट क्या सोच के ऐसी पटिशंस फाइल करवा रहे हैं मैं बताता हूँ होता है क्या है जनरली लोगों को लगता है कि ज़्यादा चीज़ें लिखने से ज़्यादा एलिकेशन्स लगाने से केस आपका स्ट्रॉन्ग होगा या फिर जल्दी पनिशमेंट मिलेगी जेल हो जाएगी दूसरी पार्टी को ऐसा होता नहीं है आपके पास कोई एटलीस्ट स्लाइटेस्ट एविडेंस होना चाहिए अपनी बातों को प्रूव करने के लिए एंड uh, इस केस में सही में कोई एविडेंस है नहीं पार्टी के पास देर इज़ नो डॉक्यूमेंट अटैच नथिंग इज़ देयर इन रिकॉन्न रिकॉर्ड एंड समथिंग इज वेरी बॉदरिंग कि आप क्या एलिगेशन लेकर आ रहे हो आपको अपने मैट्रीमोनियल रिलेशन अगर ख़त्म भी करने हैं तो इस नोट पे क्यों एलिगेशन ऐसे मत रखो जो कि बहुत ही ज़्यादा कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट को पता चले कि यू आर लाइंग एटलीस्ट थोड़ी सी डिसेंसी जब आप केसेस को लड़ते हो जिसके साथ आपने कुछ समय भी बिताया है देर आर पॉसिबिलिटीज देर आर चांसेस कि आपके साथ गलत हुआ होगा लेकिन इतना लिखो जितना ज़रूरी है मे बी कई बार लॉयर आपको मिसगाइड करते हैं लेकिन आपको भी अपना दिमाग यूज़ करना है आप कोर्ट में कैसी चीज़ें प्रूव करोगे कुछ भी लेके थोड़ा कोर्ट में चले जाओगे एंड इट वॉज़ अ फैमिली डिस्प्यूट एलिगेशंस जो जेनवन है वो लगाए जाए तो बेटर होता है आप अपने लॉयर की गाइडेंस लीजिए लेकिन अपना प्रूडेंट माइंड भी यूज़ कीजिए क्योंकि अगर आप फॉल्स पटिशंस डालेंगे तो कल को रेप्रिकॉशंस आपको भी झेलने पड़ सकते हैं और ऐसा एक केस में नहीं है मैंने काफ़ी केसेस देख लिए इट इज़ बिकम द हैबिट और यू कैन सी द प्रैक्टिस कि आप फॉल्स एलिगेशन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा एलिगेशन लगाइए और दूसरी पार्टी को सबक सिखाना पड़ेगा एंड दीज थिंग्स हैव बिन गाइडेड बाय बेसिकली द कम्युनिटी और कई बार क्लाइंट भी खुद ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है दे कम विद अ काइंड ऑफ प्री प्रीडिटर्मिन माइंड आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि वट एवर यू आर एलिजिंग इन द कोर्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड नाउ और ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी के पास लॉयर अच्छा नहीं होगा दूसरी पार्टी अपना केस ढंग से कंटेस्ट नहीं करेगी हो सकता है स्टार्टिंग में आपके केस को ग्रिप मिल जाए बहुत ज़्यादा जज आपके फेवर में आ जाए आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए बट इन द एंड आप चीज़ें प्रूव नहीं कर पाओगे तो आपको उतना ही वापस भी रिवर्ड बैक लेना पड़ सकता है सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस वट एवर यू आर फाइलिंग इन द कॉर्ट बी कॉशियस आस्क यूर लॉयर वाई यू आर राइटिंग दिस एंड इफ इट इज समथिंग असेंशियल फॉर द ग्रेविटी ऑफ द एलिगेश और द ऑफेंस द ग्रेविटी शुड नॉट आई थिंक मीट द अनरियलिस्टिक थिंग्स अनरियलिस्टिक एक्ट्स वट एवर यू आर मैंशनिंग इन योर कंप्लेन्ट लेट मैं टेल्टू ये केस आया था मेरे पास काफी टाइम पहले दैट वॉज रिलेटेड टू प्रोमिस टू मैरी रेप उसके अंदर भी लड़की का कंसर्न यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एलिगेशन लगा के अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बेसिकली नाउ दे आर नॉट इन रिलेशनशिप उसको जेल भिजवाना चाहती हूँ आई नो देखो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे उसको जेल हो जाए अपार्ट फ्रॉम थ्री सेवेंटी सिक्स आगे सेक्शन सिक्सटी नाइन विल भी देयर इन न्याय सही था देट भारतीय न्याय सही था बट अभी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है बट थ्री सेवेंटी सिक्स के अंदर भी आप वही लिखोगे ना जो आपके साथ हुआ है आप बताओगे कि प्रोमिस टू मैरी का प्रमिस् टू मैरिका केस है और ऐसे सबको चीट किया गया डिफ्रॉड किया गया उसके बाद शादी नहीं की गई लेकिन आप सेक्शुअल uh, असॉल्ट्स को लेकर फॉल्स एलिगेशन नहीं लगाओगे बिकॉज कंसेंट वॉज देयर दो इट वॉज कंसेंटेड बिकॉज ही गेव यू सम समोरेंसेज बट अगर आप उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लिख रहे हो जिससे उसकी ग्रेविटी उसके नेचर में फ़र्क पड़े शुरू में एफ हो जाएगी सामने वाला अरेस्ट भी हो जाएगा बट इवेंचुअली चीज़ें प्रूफ नहीं होगी कोर्ट में जब आप प्रूफ करने जाओगे नहीं हो पाएगी फिर आपके ऊपर डेफोमेशन का केस फ़ाइल हो सकता है आपके ऊपर ऊपर मालिशियस प्रोजीक्यूशन का केस फ़ाइल हो सकता है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द लॉ वेरी केयरफुली एंड यूज़ इट वाइजली